नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूँ सरगम म्यूजिक जोन चैनल में आप सभी लोगों का। दोस्तों तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अपना जो नेक्स्ट लेसन है, लेसन टू, वो लेकर आया हूँ। और जो मेरा पहला लेसन था उस वीडियो में, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को हारमोनियम के बारे में, सप्तक के बारे में और स्वरों के बारे में कुछ जानकारी आपको दी थी। तो आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जो हमारे ये मेरा हारमोनियम है, ये 3.5 सप्तक का हारमोनियम है। और इसमें जो ये आप सबसे नीचे की तरफ के कीज देख रहे हैं, इनको जो है मंद्र सप्तक बोलते हैं, और ये बीच के जो कीज हैं इनको मध्य सप्तक होता है, और ये जो ऊपर की तरफ है वो तार सप्तक होते हैं। तो दोस्तों एक सप्तक में 12 सुर होते हैं, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। जिनमें से जो है 12 सुर, जिनमें से 7 शुद्ध स्वर होते हैं, 4 कोमल स्वर होते हैं और 1 तीव्र स्वर होता है। तो वह स्वर कौन कौन से होते हैं, उन स्वरों के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो के लेसन टू के माध्यम से क्रम वाइज आपको बताता हूं। तो 7 शुद्ध स्वर जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि पहली काली यानी कि मध्य सप्तक की पहली काली सी शार्प, जो कि इसको बोलते हैं, ये सी शार्प है। उसके बाद डी शार्प, ई, एफ, जी, ए, बी, सी, इस तरह से क्रम चलता है। तो दोस्तों 7 शुद्ध स्वर मैंने पिछले वाले लेसन में आपको बताए थे, तो आज हम एक बार फिर से 7 शुद्ध स्वरों को देखेंगे, उसके बाद कोमल स्वर, फिर तीव्र स्वर। तो शुरू करते हैं मध्य सप्तक की पहली काली सी शार्प से। तो ये हमारा सा होता है, सा, ये रे, ये गा, ये मा, ये पा, ये धा, ये नी और ये सा। ये सा अगले सप्तक का शुरू होता है, तो हम स्वरों को कंप्लीट करने के लिए अगले सप्तक की सा को प्रयोग में लाते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से 7 शुद्ध स्वर सरगम, सा, रे, ग, म, पा, धा, नी, सा। सा, नी, धा, पा, म, ग, रे, सा। तो ये आरोह और अवरोह मैंने आपको करके बताया, एक बार फिर से मैं आरोह और अवरोह आपको एक बार फिर से करके बताता हूँ। 7 शुद्ध स्वर, सा, रे, ग, म, पा, ध, नी, सा। सा, नी, धा, पा, म, ग, रे, सा। तो ये तो दोस्तों हमारे 7 शुद्ध स्वर हो गए। अब हमारे, हम कहते हैं 7 शुद्ध स्वर ये हैं, तो कोमल स्वर कौन से होंगे? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 4 कोमल स्वर होते हैं, तो वो कौन कौन से स्वर होते हैं एक बार आप देखिएगा। धीरे धीरे आपको स्लोली स्लोली मैं बता रहा हूं। तो जैसे ये हमारा सा है, ये शुद्ध सा है, तो इसके जस्ट नीचे वाला दोस्तों ये क्या होगा हमारा, रे, यानी कि रे कोमल। ठीक है दोस्तों, ये रे कोमल हमारा है। उसके बाद फिर हमारा ये रे शुद्ध होता है, ठीक है, ये सा के जस्ट नीचे रे कोमल, रे शुद्ध। उसके बाद गा यानी कि गा कोमल, ये गा कोमल है। और फिर उसके अगला जो हम शुद्ध स्वरों की बात करते हैं, तो ये गा शुद्ध हमारा होता है, ठीक है, 7 शुद्ध स्वर यानी कि हमारा ये गा शुद्ध होता है। उसके बाद फिर आता है मा, फिर ये दोस्तों इसके जस्ट नीचे वाला जो की है व्हाइट की, ये हमारा माँ है और ये हमारा माँ है, यानी कि माँ हमेशा तीव्र होता है। तो यानी कि हमारे 4 जो कोमल स्वर होते हैं वो होते हैं रे, गा, धा और नी। ठीक है दोस्तों, रे, गा, धा, नी 4 कोमल स्वर होते हैं, माँ तीव्र होता है, और 7 सुर सारे गामा जो शुद्ध स्वर होते हैं, सारे गामा पा धा नी, वो शुद्ध। तो 4 कोमल कौन कौन से हुए, रे, गा, धा और नी। ठीक है, तो आपको क्रम वाइज मैं एक बार फिर से बताता हूं कि सा के जस्ट नीचे ये हमारा रे कोमल,
उसके बाद रे शुद्ध, उसके बाद रे, फिर उसके बाद सॉरी गा, गा कोमल, फिर गा शुद्ध, फिर ये मा, फिर ये मा तीव्र, फिर ये पा, ठीक है, फिर ये हमारा आ जाता है पा के बाद क्या आता है धा कोमल, ये धा शुद्ध, फिर ये नी कोमल और ये नी शुद्ध, उसके बाद अगले तार सप्तक का सा। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से आपको मैं प्ले करके फिर से स्लोली स्लोली आपको फिर से बताता हूं। पहला ये पहली काली यानी सी शार्प सा शुद्ध, उसके जस्ट नीचे वाला रे ये कोमल है, फिर उसके बाद रे शुद्ध, फिर गा कोमल, उसके बाद गा शुद्ध, इन दोनों की के बीच में दोस्तों कोई काली की नहीं है, तो ये हमारा यहाँ पर गा कोमल फिर गा शुद्ध सीधे डायरेक्ट आ जाता है। उसके बाद हमारा ये मा, मा शुद्ध, फिर अगला जो उसके जस्ट नीचे है ये है मा तीव्र, तीव्र मा, उसके बाद पा शुद्ध, फिर धा कोमल, धा शुद्ध, नी कोमल, नी शुद्ध, उसके बाद अगले सप्तक का सा तार सप्तक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद औरों में भी यही हम करें, तो सा नी, नी शुद्ध, नी कोमल, फिर धा शुद्ध, फिर धा कोमल, फिर पा शुद्ध, फिर मा और ये मा तीव्र, मा तीव्र, फिर मा शुद्ध, फिर गा शुद्ध, गा कोमल, रे शुद्ध, फिर रे कोमल, फिर ये सा शुद्ध और ये इस औटे का सा, ये भी शुद्ध है और ये वेस्टर्न नोट में है तो सी इसको बोलते हैं सी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारे हो गए कोमल स्वर और शुद्ध स्वर और तीव्र स्वर। तो कौन कौन से होते हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत में, एक सप्तक में 7 शुद्ध स्वर होते हैं, 4 कोमल स्वर होते हैं और जो है एक तीव्र स्वर होता है। तो तीव्र हमेशा मा होता है और 4 कोमल रेगा धानी, 4 ये कोमल स्वर होते हैं और सारे गामा पादानी ये जो है शुद्ध 7 शुद्ध स्वर हमारे होते हैं। तो दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए तो एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने भाई जो ये प्ले आप करके मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि मैंने ये काले बटनों से बताया, तो अब हम वेस्टर्न नोट की बात करते हैं। तो सी हमारा जो ये मिडिल ऑक्टेव का सी है यहाँ से शुरू होता है, ये सी इसको बोलते हैं सी डी ई एफ जी ए बी सी, इस तरह से क्रम चलता है वेस्टर्न नोट्स में। तो अगर हम इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में कहें तो इन्हें भी हम जैसे अगर प्ले करना चाहते हैं तो हम इसे सा मानते हैं, तो ये शुद्ध सा होता है सा रे ग म प ध नी सा, ये सारे शुद्ध स्वर हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से वेस्टर्न नोट्स के क्रम के हिसाब से सा रे ग म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा रे ग म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा। तो दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों को 7 शुद्ध स्वर, 4 कोमल स्वर, इन सभी का प्रयास करते रहना है और एक तीव्र स्वर मां जो होता है इनका प्रयास करें। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी तरह मैं और आगे अपना क्रम बढ़ाते हुए लेसनों का जो क्रम है उसको आगे बढ़ाते हुए, तब तक आप इस लेसन को जो कि मेरा लेसन 2 है इसको सीखने का प्रयास करें, कोशिश करें। जो नए बिगिनर्स लोग हैं, सीखने वाले लोग हैं या जो संगीत सीख रहे हैं, अगर उनको कुछ इसमें हेल्पफुल बातें लगती हैं तो वो भी ज़रूर इस वीडियो को देखें और जो बिगिनर्स लोग हैं वो भी इस वीडियो को देखें और जो मेरे सब्सक्राइबर जितने भी सब्सक्राइबर हैं ज़रूर देखें।
तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट अगले एक नए लेसन के साथ। उसके अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी फिंगर किस की पर रखनी होती है और क्या कहते हैं, कौन सी फिंगर कहां से कहां तक, किस तरह से हम फिंगर का प्रयास या प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।